प्रणाम करता हूँ गुरुवर, बनारस की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की ईंटा और गिट्टी को प्रणाम करता हूँ, और मोबाइल के इस युग में सबकी पुरानी चिट्ठी को प्रणाम करता है, 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 क्या बात है। और मरिकर्णिका घाट पर रखी हुई आप सबकी चिट्ठी को भी प्रणाम करता हूँ। इंतजार में आदरणीय, बड़ा बहुत बढ़िया माहौल बन गया है और चारों तरफ से कैमरे बिल्कुल टाइट हो गए हैं और बिल्कुल हमारे मित्र शशिकांत सिंह आने जी उपस्थित हैं, उनका अपना मोहब्बत का मेह बरसने वाला है, आपके गेह में आए हैं तो कुछ कविताओं के रेह छोड़ कर जाऊंगा ताकि जो है उससे जब मेह अगला बरसे तो उससे आप कपड़े धो सकें, क्योंकि आपका बड़ा लेके सब रुपया मेरा एक दिन निकल जाएगी। असल में जब ये रूपा श्री बैठी हुई हैं, वो उधर से दमदार भाई के पास पर्चियां आ रही थी श्रोताओं से कि ये लड़की के कब बुलाऊं, ब्याह बेचारे सही है, वो बेचारे नाम जान नहीं रहे थे तो कहा लड़की के कब बुलाऊं ब्याह, हम कहे तो होकर लड़की की बहुत बड़ी चिंता बजाय दमदार से कहा पतरकी के कब बुलाऊं। तो गोर की पतर की रे और कैसे बदल, जिंदगी की न टूटे लड़ी चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी, ओ मितवा लड़की है 10 साल बड़ी वही छत पे है आकर खड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। बाद में पता चला कि हाथ से अंगूठी और घड़ी दोनों ले गई, गायब हो गई लेकर के। तो ऐसी लड़की से हम प्रेम नहीं करते, लेकिन ये रूपा आज बहुत बढ़िया साड़ी पहनी है, हमको लगता है जब बनारस आई तो दिन भर यही खरीदी तब वही पहन ली क्योंकि सही है, सही है। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ बनारस में प्यार की धड़कती हुई नारी है, बनारस में प्यार की धड़कती हुई नारी है, अब पहनकर जो घूम रही दुल्हन यहाँ की साड़ी है, पहनकर दुल्हन जो यहाँ पर घूम रही साड़ी है, मैं सभी बनारस के लोगों को बहुत ही नमन करता हूँ। अब बनारस में आ करके हमको बहुत खुशी मिलती है, जब भी बनारस से आवाज़ आती मैं ज़रूर आता हूँ, क्योंकि जब मोदी जी आते हैं तो हम तो बहुत, अब एक मोदी जी यहाँ पर बैठे हैं, जितनी जमीन सूखी थी मोदी ने ले लिया, टेंशन भरे इस युग को विनोदी ने ले लिया, जितना बचा खुचा था कुल योगी ने ले लिया, मोदी ने सबको दौड़ के गोदी में ले लिया। अब गोदी में जिसको यारों खेले हजारों नदियां, गोदी में जिसके यारों खेले हजारों नदियां, अब मोदी जी को भूल नहीं पाएंगी कई सदियां। क्या बात, इसलिए कहते हैं मैं बहुत ही कि मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे पहले क्योटो बनाते थे तो हमने कहा आप बहुत दूर ना जाएं, पहले यही का कोई शहर बना दे, मनाली से कुल्लू बना दे, क्योंकि मान लीजिए क्योटो आपको कोई ना दिया वहां का मामला तो यहाँ हम टेवटो लेके घूमिए हर वहां। तो मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे, बिगड़े हुए घरों के ये टुल्लू बनाएंगे, बिगड़े हुए घरों के ये टुल्लू बनाएंगे, कविता से मेरी आपको कुछ भी न मिलेगा, हम आप सबको रात भर उल्लू बनाएंगे। वाह 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 वाह, गुटुरगू 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 गुटुरगू, प्यार करने का मौसम आया है। कौन आया है, जब बनारस में सांड ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है सांड ने बुलाया है, चलो बुलाया आया है सांड ने बुलाया है,
इसलिए कहते हैं जब सांड दादा की याद आ गई तो हमने कहा जो है चना मटर अरहर बोइब सब होई गए एकदम डाण। चना मटर अरहर बोइब सब होई गए एकदम डाण। जैसे आखा फेंके सो वैसे चरी गए योगी के साथ। हे साढ़ देवता नमस्कार। अपने खुर से तुम खोद रहे दिन भर ये मेरा घर द्वार। हे साढ़ देवता नमस्कार। तुम बीच सड़क पे ऐसे बैठे जैसे कोई सिकंदर। चौक चौक सिंहे हैं तेरी गजब का है स्टैंडर। तुम दौड़ दौड़ के हम पर करते सिंहों से ये मधुर वार। हे सांड देवता नमस्कार। और मैं सांडों को नमस्कार करता हूँ क्योंकि सांड अगर आपको मिल जाए समझ लो आपके प्राण गए। कि गायों के प्राण आ गए चलाने को बाण आ गए। भागो रे भागो भागो रे भागो योगी के साण आ गए। गायों के प्राण आ गए। और मैं बहुत ही आपका बड़ा हमें हमारे बड़े भाई अमलेश शुक्ला जी बैठे हैं बहुत ही भजन गायक हैं और भजन गायक हैं और वजन से उसको गाते हैं तो मैं इनको बड़ा प्रणाम करता हूँ। हालांकि जब हमारी शादी हुई तो मैं लड़की देखने गया तो लड़कियाँ हमको देख कर रोने लगी। हम कहे कि तुम रो क्यों रही हो, तुम घबराओ मत, जिंदगी भर हम ही रोएंगे, ये वाला काम हमको दे दो मगर हमसे शादी कर लो। हम कहे रो क्यों रही हो, तो कह रही थी आपको देख मेरा पूरा शरीर झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तेरे जैसा मर्द मेरा साजन होगा, इसीलिए रो रही हूँ। अरे हमने कहा तुम रो क्यों रही हो, हम कहे कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, हमरे लंबे बाल देख मुझे मर्द न माने को। स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। रूपा रूपाश्री ने कहा, गीता दीदी ने कहा रूपाश्री के बाल कितने अच्छे हैं। हमने तो कहा क्या हमारे ये बाल बाल बच्चे हैं। हम कहे ये इन्हीं के, मेरे बाल इन्हीं के बाल बच्चे हैं क्योंकि मेरे भी बाल उन्हीं की तरह अच्छे हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, फिर निगाहों में एक सवाल आया, देखते देखते कई साल आया तब तुम्हारी तरह ये बाल आया। देखते देखते कई साल आया तब तुम्हारी तरह ये बाल आया। अब जिसे हम कटा नहीं सकते, अपने सर से हटा नहीं सकते, इसको लहराते हुए नैनीताल आया। मेरी जिंदगी में तब एक भूचाल आया। जोरदार तालियां बजाइए, बनारस में बिहारी लाल आया। वाह वाह वाह, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, लड्डू पेड़ा उधार आया है, लड़के में कुछ तो सुधार आया है, वही पुराना दिखवार आया है, आज फिर तुम पे। और हमारी शादी हो गई मगर एक महीने बाद वो खो गई। खो गई कि मतलब मेरे प्यार में खो गई, मेरे प्यार में खो गई। और जहाँ लड़कियाँ देखे गए रहे वहाँ क्या हुआ? हाँ, अब बड़ी बड़ी समस्याएं हो गई। जब शादी हो गई तो हमारे बड़े बड़े बाल, उसके बड़े बड़े बाल, अब
पता नहीं चलता था कि एक दिन हमारी हम ससुराल गए और हम लेटे हुए थे तो हम उल्टा लेटे थे बाल खोल के, तो वो हमारी सास सोची कि हमारी बिटिया लेटी है तो बोली कि बर्तन मार देना, हम मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। हम माज मूज के रख दिए। हम सोची भाई सासू का कहना हम मानेंगे। बाद में पता चला बिटिया को डांटने लगी, बर्तन यहाँ क्यों नहीं रखा, उसमें क्यों नहीं रखा, सांचे में। तो बोले हम कहाँ माजे हैं, तो कहें अरे बाप रे बाप, दामाद जी से मजवा लिया क्या? हमने कहा तो कोई बात नहीं, दामाद इसीलिए हो जाए, हो भाई करते हैं, वो भाई माजते रहे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपने हमें देख तक के शादी किया है, हम माजने का ही काम करते हैं, कभी हैं हम समाज में भी मज्जन का काम करते हैं, इसलिए हमारी अपनी युते। तो कहते हैं कि जो है इस तरह की स्थिति हो गई है कि जो है, और मुझे चार पंक्तियाँ और याद आ गई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इतना प्यार से सुन रहे हैं, ये बनारस का कवि सम्मेलन बहुत ही बढ़िया से चल रहा है। मैं चार पंक्तियाँ मुझे आप तक पहुँचानी है। मैं गीता जी ने कहा कि रूपा जी पे आप कहिएगा, मैं चार पंक्तियाँ पे दमदार जी कहा स्वागत कि दिल की तरफ कमान का रुख मोड़ दीजिए, तरकस में जितने तीर हो सब छोड़ दीजिए, तुम प्यार मुझसे मत करो पर इतना तो करो, मुझसे लगा के दिल उसे फिर तोड़ दीजिए। लड़का हमार अकिल के आधा देखा तो बा, शादी ब्याह में तोरे बाधा देखा तो बा, आशिकी के रंग यह पे यही कदर चढ़ा कि कुतियों बिलार अब एक राधा देखा तो बा। तो अखियां ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ये आखी ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, और राधे माई पूछ रही किसी ने आशा रखा। वाह 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 भाई वाह। जब आसाराम देखा तो हमको उज्जवल दादा की बहुत याद आई। उज्जवल दादा को देख करके मुझे लगा चार पंक्तियां इन पर कह दूं कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, है क्या बात है, चीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं। देखिए सुशील भैया ने हमको माला पहनाया और मैं माला माल हो गया। मैं अगले जन्म में आपको वैजयंती माला बन के मिले। बोल दे हाँ हाँ दुई शेर का बैठ जाए ना जी। हमको इन्होंने दे दिया तो हम किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, मैं सूद के वापस करते हैं इनको, मैं दे रहा हूँ इनका। अगर मैं मुमतहिन होता, अगर मैं मुमतहिन होता तो इनको 100 में 100 देता, लियाकत का अलग देता नजाकत का अलग। लियाकत का अलग देता नजाकत का अलग देता। अब एक शेर दूसरे पक्ष को, निकला जो तीर तरकस से ना इधर गया ना उधर गया, मेरे दिल को उसकी तलाश है कि जब लगा नहीं तो किधर। अरे क्या बात है, वाह वाह। साढ़ू से साढ़ू मिले, साढ़ू से साढ़ू मिले सब रिश्तन में हीरा, अब अंदर से सढ़ुआइन निकरिन काट लिहिन जस कीरा। कहीं जब संग रहा तब रंग रहा, तब मिलत रहे अतरे खोतरे, अब न संग रहा न रंग रहा तू अपने घरे हम अपने। मैं
इतना प्यार से दादा उद्भव जी को मैं बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ। पहले तो ये कई कवियत्रियों के साथ आते जाते थे लेकिन दादा से कहा कि हमारे रहते वो भी कमी महसूस न करें, मुझे भी भरम में लेकर घूमते रहें, मुझे भी भरम में लेकर घूमते रहें। अगर इस उम्र में भी आपका मन करता है तो जहाँ जहाँ मन करे चूमते रहें। क्या बात है। मैं इतना दादा को मैं फ्री कर दिया क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ दमदार भैया इनके ऊपर लेकिन शंका की दृष्टि से कवियत्रियां देखती हैं और जब देखती हैं तो हमसे बनवाती हैं चार लाइन और कहती हैं स्वागत है। बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया है, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया, इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबिया है जिनका रस है। क्या कहने बाबा 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 बा। बहुत बढ़िया लाजवाब। इस तरह से हो जाता है मगर ये बूढ़े हैं तो इन पे कोई बात नहीं। इस उम्र में भी प्यार करिए बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। इस उम्र में प्यार कर लिए बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी, राम राख है यहाँ पे चाहे जैसी तैसी। इतना बढ़िया प्यार से सुन लिया कि मुझे कहता जो वो जिंदगी में यार किसी धाम का नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे कई मित्रों ने मुझको बताया कि जिंदगी में वो किसी भी धाम का नहीं, जिंदगी में वो किसी भी धाम का नहीं, अब कोई पत्थर फेंका तेरे नाम का नहीं, कोई पत्थर फेंका तेरे नाम का नहीं, रोम रोम में बसे रोम रोम में हमारे बसे मेरे राम जी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जिंदगी में वो किसी भी धाम का नहीं, और मरा मरा कहते कहते राम हो गए जो बद तुम्हारा, मरा कहते कहते राम हो गए जो गुमनाम थे तो उनके नाम हो वाल्मीकि, मरा मरा कहते कहते राम हो गए जो गुमनाम थे तो उनके नाम हो गए, तो राम को हृदय बीच रखिए गमित मेरे, रुके हुए देखो तेरे काम हो गए, जो राम राम कहते कहते। इतना प्यार से सुन लिया क्योंकि कहाँ छुपे हो ऐ राम जाकर, समस्त जगती के सार तुम हो, ये झूठे बेर खा लो मेरा ऐ नाथ शबरी के प्यार तुम हो। वाह वाह। कहाँ छुपे हो ऐ राम जाकर, समस्त जगती के सार तुम हो, ये झूठे बेर खा लो मेरा ऐ नाथ शबरी के प्यार तुम हो, तुम्ही ने सबको सिखाया जीना, तुम्ही से मन के स्वभाव जागे, तुम्हारे जैसे हो लोक नायक तो पत्थर के दिल में भी भाव जागे। वाह 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 वाह। अहिल्या को छू लिया। वाह वाह वाह। तुम्हारे जैसे जो तुम्हारे जैसे हो लोक नायक तो पत्थर के दिल में भी भाव जागे, तुम्ही ने रावण के शीश काटे, धर्म के रथ पे सवार तुम हो, ये झूठे बेर खा लो मेरा ऐ नाथ शबरी के प्यार तुम हो। क्या बात है। नाथ शबरी के प्यार तुम हो, इसलिए कहते हैं चार प्रति की महफिले यार से आशिक जो बिचारे निकले, वो कंवारे ही गए और कंवारे निकले, मुझको दौड़ा के पुलिस वालों ने पीटा इतना, दिन में आंखों से मेरे चांद सितारे है, 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 दिल में आंखों से मेरे चांद सितारे निकले, मेरी महबूब तुम्हें जब भी पुकारा मैंने, मेरी महबूब तुम्हें जब भी पुकारा मैंने, घर से बंदूक लिए बाप तुम्हारे निकले। क्या बात है। वाह। तब भी कहना पड़ता है उससे, कह
कह बेटे कि हमको तुमसे प्यार हुआ है हुआ हुआ, लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झुआ झुआ, ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पकौआ, पीकर सभी बराती नाते बोतल भर भर पौआ, हमको तुमसे प्यार हुआ है हुआ हुआ, हे हुआ हुआ, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे, 20,000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे, हे अम्मा बाबू हे, प्यार दे प्यार दे प्यार दे। देखिए ये कविता नहीं है क्या कहने बाबा बाबा, ये कविता नहीं है, ये सिर्फ 2-3 मिनट का शब्दों का व्यंजन है, 2-3 मिनट का शब्दों का व्यंजन है, ये कविता नहीं है, सिर्फ चंद लम्हों का मनोरंजन है। वाह, आपको मैं ये पहुंचा रहा था। स्वागत, क्योंकि माई कबौ न चूल्हा फूके, झगड़ू भैया कहाँ गए, चूल्हा फूके, झगड़ेलू लोगों को ऐसा चला जाना चाहिए, जब उनके नहीं जो झगड़ू भैया है अब तो बढ़िया है तो चले गए तो कोई बात, कि माई कबौ न चूल्हा फूके भाव जाई सुकुवार निकल गए, और भयाहू कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार निकल गए, जंगर चोर मेहरार निकल गए, लड़े बदे बरियार निकल गए, के करे मूड़े शान बघारी कुल चीजिए बेकार भैंस दुहत की टांग उठावे, भैंस दुहत की टांग उठावे, बर्धा हेंगा देख पराए, कुकुर जाए पिछवाड़े सोए, आगे चोर लूट ले जाए, हाड़ी में जब दूध है नाही कुल बिलार रोवे चिल्लाए, छोटका लड़का खेत बेच के मझिला लेके कार निकल गए, बड़का लड़का साधु बन के ऋषिकेश हरिद्वार निकल गए, के करे मूड़े शान बघारी कुल चीजिए। वाह भाई वाह।